क्लास में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है देखा था, उसके आधार पर जो दो लॉज हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डील किया था। आज हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? मेंडल ने टॉल प्लांट एंड डॉट प्लांट का क्रॉस करवाया था और रिजल्ट क्या उन्हें मिला, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिला। फिनोटाइप क्या है? टॉल है। इस टॉल प्लांट को देख करके वे प्रिडिक्ट नहीं कर पाए इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा या हेटरोजाइगस होगा। होमोजाइगस यानी कैपिटल टी होगा या हेटरोजाइगस यानी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। वो जीनोटाइप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन का पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस करवाया, जिसको हम लोग इसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस दो प्रकार के होते हैं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस हम लोग डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं तो उसको आउट क्रॉस कहते हैं, और अगर F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं तब उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आपके सिलेबस में टेस्ट क्रॉस है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? इट इज द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट टू नो द जीनोटाइप। ये जो आप देख रहे हैं F1 हाइब्रिड है, इसका क्रॉस अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इसको अगर ऐसे F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम ऐसे इस प्योर डोमिनेंट के साथ करते हैं तो इसको हम लोग आउट क्रॉस कहेंगे। अगर इस F1 जनरेशन का क्रॉस आप किसी भी पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। आपको फोकस क्या करना है, टेस्ट क्रॉस पे फोकस करना है। टेस्ट क्रॉस क्या है? इट इज द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट टू नो द जीनोटाइप। यानी F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ हम कराते हैं तो उसको हम लोग ऐसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉल प्लांट, टॉल प्लांट के लिए आपका जीनोटाइप दो हो सकता है, कैपिटल टीटी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी होमोजाइगस टॉल प्लांट आपका होमोजाइगस होगा यानी कैपिटल टीटी होगा, और हेटरोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो मान के हम चलते हैं, पहला कंडीशन लेकर के चलते हैं, ये जो अननोन प्लांट, जो प्लांट है उसका जीनोटाइप हमको नहीं मालूम है, वो क्या है आपका होमोजाइगस टॉल है। तो इस प्लांट का हम किससे क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट का हमको जीनोटाइप मालूम है आपका स्मॉल टीटी होता है। दोनों गैमेट बनाएंगे, ये कैपिटल टी बनाएगा, ये आपका स्मॉल टी बनाएगा। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटरोजाइगस है। तो ये इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ये टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी है डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी, इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, टॉल होगा। तो अगर आपको सभी पौधे आपको टॉल मिलते हैं ना, तब जो अननोन प्लांट जिसका जीनोटाइप हमको नहीं मालूम है वो आपका होमोजाइगस होगा। दूसरा कंडीशन ये हेटरोजाइगस है। हेटरोजाइगस हम अभी बता दे रहे हैं आपको, आपको ये पता है, लेकिन ये एक्चुअली अननोन है। इसका तो हमको मालूम है ये क्या है, होमोजाइगस है। ये आपका हमेशा स्मॉल पीटी होता है। दो तरह के गैमेट बनाएगा ये, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस हम कराएंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, टॉल ये भी टॉल, ड्वार्फ ड्वार्फ। ये कैसा टॉल है, हेटरोजाइगस है, बोथ द एलील्स आर डिफरेंट, हेटरोजाइगस है। तो इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपका, टॉल आ रहा है, ये ड्वार्फ है। अगर आप क्रॉस कराते हैं जिसका जीनोटाइप आपको नहीं मालूम है, क्रॉस कराते हैं और आपको टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों मिलता है ना, तब जो जो इंडिविजुअल होगा, जो स्पेसिमेन हमको होगा, वो हेटरोजाइगस होगा। यानी ऑफस्प्रिंग देख करके आप पता लगाएंगे कि जो स्पेसिमेन है उसका जीनोटाइप क्या है। अगर आप क्रॉस करा है रिसेसिव पेरेंट के साथ और आपको ऐसा टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल रहा है, टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो इसका जीनोटाइप क्या है, हेटरोजाइगस है। अगर सारे ऑफस्प्रिंग टॉल है, इसका मतलब वो टॉल प्लांट होमोजाइगस है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये
टाइप इसका दो हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी होमोजाइगस हो सकता है, हेटरोजाइगस हो सकता है। आपको नहीं मालूम है इसका जीनोटाइप क्या है, तो इस वायलेट कलर के फ्लावर को हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे। ये आपका स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यहाँ आप देखिए, ये होमोजाइगस रिसेसिव गैमेट बनाएगा, एक तरह का गैमेट बनाएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये जो है दो तरह का गैमेट बनाएगा, ये क्या है, हेटरोजाइगस है, बोथ एलील्स आर डिफरेंट, तो दो तरह का गैमेट बनाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका कॉम्बिनेशन करिए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ आपका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये जो कैपिटल डब्ल्यू जो है डोमिनेट ओवर द स्मॉल डब्ल्यू, यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, पर्पल। यहाँ क्या है, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेट ओवर द स्मॉल डब्ल्यू, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पर्पल। और ये जो होता है दोनों होमोजाइगस जीन है, दोनों एलील्स बोथ एलील्स आर आपका रिसेसिव, एक्सप्रेशन क्या आएगा, व्हाइट। अगर आपको वायलेट और व्हाइट दोनों तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, तब जो अनोन फ्लावर उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी वो हेटरोजाइगस होगा। अब इस फिगर को, इस पार्ट को कंसीडर कीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये होमोजाइगस है, दोनों यहाँ क्या है, डोमिनेंट एलील है, तो ये दो तरह का जीन, ये एक ही तरह का है, सो जीन बनाएगा आपका गैमेट बनाएगा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों का कॉम्बिनेशन करवाइए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसका फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या होगा, हेटरोजाइगस है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट ओवर द स्मॉल डब्ल्यू, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन किसका आएगा, वायलेट का, वायलेट होगा, ये वायलेट कलर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी वायलेट, यहाँ पे भी वायलेट, यानी ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। अगर सारे फ्लावर्स आपको वायलेट मिलते हैं तो जो अनोन फ्लावर ये जो है क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अगर हाफ वाइट हाफ वायलेट वायलेट कलर मिलता है तब जो अनोन जीनोटाइप क्या होगा, हेटरोजाइगस होगा। यानी आप इसके फ्लावर्स को, यानी इसका जो प्रोजेनी आपको जो मिला उसको देख करके जो होता है जीनोटाइप का प्रेडिक्ट